65,000 रुपए नकदी और सोने का आभूषण लूटे दो बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। ये मामला बरनाहा थाना क्षेत्र के ग्राम नंगाला भाई खां के पास है। घटना मंगलवार को 4 बजे फूलपुर निवासी सत्येंद्र तिवारी पुत्र ब्रजेश कुमार तिवारी मेलपुरी लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार प्रवीण कुमार बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र चलाते थे। मंगलवार को शाम अपने भतीजे को प्रवीण कुमार नारायण के साथ बाइक पर जा रहे थे। बदमाशों ने उनसे 65,000 रुपए नकदी और सोने के दो अंगूठे सोने के चैन छीनकर बदमाशों ने गोली से मारने की धमकी भी दी है। बदमाशों के जाते हुए सतेंद्र ने 100 नंबर पर पुलिस को घटना को जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार ही पहुंचे पुलिस। तो मंचा हम पहचानते ना वो क्या क्या सर उम्र कितनी तुम्हारी? अनाल से कैश लेके आ रहा था तारुपुर रोड से भोलापुर जा रहा था। उसकी मंगला भाई खाने पैसा लूट पाट हो गया। कितना रुपया था और क्या क्या सामान लूट में गए? 58,000 रुपये का चेक से निकाला था। दो अंगूठी थी, एक लड़ी थी। उसके बाद आपने इसकी सूचना किसे दी? डायल हंड्रेड कितनी देर बाद आपके घटना स्थल पर पहुंची? लगभग 15 मिनट बाद। घटना हुई है, कल मैं बैंक से पैसे लेके आ रहा था अपने भतीजे के साथ। 58,000 बैंक से निकाला, 7,000 हमारे पर्स में थे। दो अंगूठी थी, एक जंजीर थी। रास्ते में दो बाइक सवारों ने तमंचा दिखा के 65,000 रुपये नक दी और दो अंगूठी और जंजीर लूट ली। जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आपने कोई शिकायत? 100 डायल पर सूचना दी। 10 मिनट बाद 100 डायल और कुछ देर बाद थाना अध्यक्ष मौके पहुंच गए। उसके बाद CEO करल और टेस्ट मैन पुलिस फोर्स आ गया तो पूरा SP साहब, अपर साहब और SAT पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।